गंज वासोदा क्षेत्र स्थित आप इस प्राचीन मंदिर की भव्य प्राचीर को देख रहे हैं और लोगों की मांग और भावना के अनुसार आखिरकार शासन ने मंदिरों को भी अब मुक्त कर दिया है, लेकिन इसके लिए भक्त लोगों को शासन के नियमों का पालन करना होगा जो कि महामारी के लिए आवश्यक भी है। इसके लिए बकायदा लोगों को अपने हाथों को सैनिटाइज करना और हाथों को अच्छे से साबुन से धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके लिए मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलों को चिन्हित किया गया है और लोग एक सामाजिक दूरी बनाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में भी आप देख सकते हैं कि घंटे को किस तरह से अभी पैक कर दिया गया है, क्योंकि अभी घंटे को बजाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप कोई भी फूल बेलपत्र आदि नहीं चढ़ा सकते हैं, अर्थात आपको आपकी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करके ही अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जाना होगा। शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार मंदिर की क्या तैयारी उदयपुर की? निर्देशानुसार कल शाम को 4 बजे आके मैंने पहले पूरी तैयारी करवा दी थी और मंदिर के पुजारी और हमारे मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनकी एक बैठक ली थी, जिससे हमने उनको निर्देश दिए थे कि जो निर्देश आए हैं उनका पालन हो अच्छे से।